बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जबरन मंदिर में सोना लगाया तो आंदोलन के साथ तीर्थ पुरोहित भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के दानदाता बाबा के दर्शन करने केदारनाथ पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर में गर्भगृह में लगी चांदी की परत की जगह सोने की परत से सजाने के लिए सोना चढ़ावा देने की घोषणा की। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के स्वरूप को और भव्य बनाने के लिए शासन से इसकी स्वीकृति लेकर सोने की परत लगाने का कार्य भी शुरू करवा दिया गया, ताकि मंदिर के गर्भगृह का स्वरूप देश के विदेश आने वाले श्रद्धालु को और भी सुंदर दिखे। लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने इस पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा पौराणिक परंपरा के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जबकि केदारनाथ का मंदिर विश्व में एक अकेला मंदिर है जहां सोना चांदी नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही गर्भगृह में हो रहे मशीनों और ड्रिल से छेड़खानी के कार्य को रुकवाते हुए विरोध जताया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। भगवान विराजमान है, उनके अपने अस्तित्व है। आज पेपर समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केदारनाथ के जो गर्भगृह में चांदी लगी हुई है उसको निकाल करके वहां सोना लगा रहे हैं, और ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। सोना चांदी यहां पर नहीं लगाने देंगे, और वहां गर्भगृह में जो वो चार स्तंभ हैं उनको आपके नजरों में वो पिलर होंगे, आपके नजरों में वो बिंब होंगे, लेकिन उन स्तंभों में भगवान विराजमान हैं, उनके अपने